नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल आरवी गार्डन में फिर से स्वागत है। मैं आज आपके लिए दोस्तों लेके आ गया हूँ मोगरा का पौधा, जिस पर हम फिर से फूल कैसे प्राप्त करें मैं बताऊंगा। दोस्तों ये हमारा गर्मियों का पौधा है जो बहुत ही फूल देता है और हमारे गार्डन को पूरा महकाया रहता है। तो दोस्तों हमें ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हम इसमें कैसे जो है पूरी गर्मियों भर फूल लेते रहें, एक बार फूल आ जाए तो भी हम उससे फिर दोबारा फूल कैसे लें। तो चलिए मैं आपको आज आपको बताऊंगा कि कौन सा फर्टिलाइजर डालना है जिससे आपके दोबारा इसमें फूल आए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमारा मोगरा का पौधा गर्मियों का पौधा है जो पूरी गर्मियों पर बहुत ही अच्छे फूल देता रहता है और हमारे गार्डन को महकाता रहता है। और दोस्तों इसके गजरे भी बनते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और दोस्तों इसके फूलों का प्रयोग जो है मेडिसिन के रूप में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग इसमें जानेंगे कि इसमें हम कैसे जो है फूल लगातार लेते रहें, एक बार फूल आ गए हैं फूल आने के बाद गिर भी जाते हैं। तो दोस्तों हमें ऐसा क्या कौन सा काम करना चाहिए कि इससे हमें इसमें बार बार फूल आते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसकी प्रूनिंग कर लेनी चाहिए। अगर आपके एक बार फूल आ गए हैं तो देखिए मैंने प्रूनिंग की हुई थी, तो जहाँ से मैंने ये प्रूनिंग की है उसमें से देखिए फिर बगल बगल से दो डाल निकल के आ गई हैं। ये देखिए देख सकते हैं आप, मैंने इन सब की प्रूनिंग कर दी थी। ये देखिए प्रूनिंग करने के बाद ऐसे निकली हैं। ये देखिए यहाँ भी दूसरे पेड़ में भी निकली हुई। अब दोस्तों इसमें नए तरह के ये देखिए ऊपर से जो डाल आई है ब्रांचेज हैं इसमें फूल आने चालू भी हो गए हैं। देखिए इसमें कलियाँ बन गई हैं इसमें। तो दोस्तों ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर मैंने दिया था जिसके कारण ऐसा हुआ, तो दोस्तों चलिए उसको भी जान लेते हैं। ये दोस्तों हमारे घर में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। ये हमारा फिटकरी का टुकड़ा है जिसमें भर भर के पोटास होता है, जो पोटास बहुत ज़रूरी होता है इन फूलों को खिलाने के लिए, तो जो इस फिटकरी में मौजूद है। तो दोस्तों इसी पोटास के थ्रू जो है इसके अंदर काफ़ी फूल आते हैं। तो अब हम इसको जानेंगे कि इसको कैसे देना है, इस फिटकरी के टुकड़े का लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बना के देना है। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको एक लीटर पानी ले लेना है इस तरीके से और इसको तकरीबन एक से डेढ़ मिनट तक खिलाना है जब तक इस पानी का कलर चेंज ना हो जाए। देखिए दोस्तों मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे आपको भी करना है। देखिए दोस्तों आप इसमें धीरे धीरे हल्का हल्का कलर चेंज आने लगा है, आप लोग देख सकते हैं साफ साफ दिखाई देने लगा है। जब तक अगर आपका पानी चेंज नहीं हो रहा तब तक आपको हिलाते रहना है, जैसे ही पानी चेंज हो तो आप इसको बंद कर दीजिए। देखिए इस तरीके से ये हमारा फिटकरी का पानी तैयार हो गया। तो चलिए अब हम इसको जान लेते हैं कैसे देना है। इसको देने के लिए सबसे पहले आप अपने गमले की जो है गुड़ाई कर लीजिए, और जब भी आपको इसको देना हो तो इसको एक दो दिन पहले से पानी कम कर दीजिए देना। इससे क्या होगा, इसकी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और आपका फिटकरी का पानी इसके अंदर अच्छी तरह से चला जाएगा। ये देखिए मैंने गुड़ाई कर ली, इस तरीके से आप लोग को भी गुड़ाई कर लेना है। अगर आप लोग गुड़ाई नहीं करेंगे तो इसकी मिट्टी पोरस नहीं होगी और इसके अंदर एरेशन भी नहीं होगा। मैंने गुड़ाई कर ली, ये हमारा फिटकरी का पानी देखिए जो बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें पोटाश उपलब्ध है। अब वो इसके मैं दे देता हूँ, इस तरीके से आप लोगों को दे देना है। दोस्तों चारों तरफ इसके इसके जड़ के बीच में नहीं देना है, इसके पॉट के एकदम किनारे किनारे देना है। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरीके से इस फिटकरी के पानी को देंगे तो आपके इस पौधे पर इस तरीके से देखिए तमाम कलियाँ जो है खिल के चली आएंगी, कितनी ढेर सारी हैं इसमें देख सकते हैं आप। ये कलियों से लद चुका है हमारा ये प्लांट भी और ये प्लांट भी। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसा ही इस फिटकरी के पानी को यूज़ करते हैं अपने पौधे पर तो निश्चित रूप से आपके पौधे पर दोबारा ज़रूर कलियाँ और फूल खिलेंगे। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें।